अप्रैल तोड़ चाय की इस बार खूब महक बिखरी, पिछले साल के मुकाबले 3.5 गुना ज्यादा उत्पादन। अब फूलों की बिक्री के लिए नहीं करना पड़ेगा बाहरी राज्यों का रुख, ऐसे होगा फायदा। हमीरपुर में किसानों को सब्सिडी पर घर के नजदीक मुहैया करवाए जा रहे सभी बीज। प्रदेश में अप्रैल तोड़ चाय की इस बार खूब महक बिखरी है। डिमांड में रहने वाली अप्रैल चाय का उत्पादन इस बार पिछले साल के मुकाबले 3.5 गुना ज्यादा रहा है। 2021 में जहां प्रदेश में अप्रैल तोड़ चाय की पैदावार सिमट कर सिर्फ 51,000 किलोग्राम रह गई थी, वहीं इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 1,80,000 किलो तक जा पहुँचा है। यह निश्चित तौर पर चाय उद्योग के लिए प्रोत्साहन का विषय है, क्योंकि अप्रैल तोड़ चाय के दाम भी अच्छे मिलते हैं। अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार बड़े चाय उत्पादकों ने जहां 1.68 लाख किलो अप्रैल तोड़ चाय तैयार की, वहीं छोटे उत्पादकों ने भी 12,000 किलो का योगदान दिया है। अप्रैल तोड़ चाय का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही इस वर्ष चाय में कुल के उत्पादन का ग्राफ बढ़ने की संभावना भी बन गई है। चाय के लिए अनुकूल रहे मौसम का परिणाम इस बार चाय के बढ़े उत्पादन में देखने को मिला है। इस साल मार्च और अप्रैल में चाय के उत्पादन का आंकड़ा 2 लाख किलोग्राम को पार कर गया है। अगर हम अप्रैल तोड़ की बात करें तो 2021 जो है वो काफ़ी जो है ड्रॉट रहा स्टार्टिंग में, जब हम मार्च अप्रैल और मई की बात करें, और उसमें सिर्फ अप्रैल 2021 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो बना था सिर्फ 51,000 केजीज। बट कंपैरेटिवली 2022 में अगर हम देखें तो अप्रैल में जो है हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो 1,80,000 अभी तक हम जब टच कर पाए हैं। उसमें जो बड़ी फैक्ट्रीज जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो बॉटली फैक्ट्रीज हैं, स्टेट फैक्ट्रीज हैं, उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 1,68,000 रहा। और इसके साथ जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ अभी जो मिनी टी फैक्ट्रीज हैं जो रजिस्टर हुई हैं, जो स्वयं सहायता समूह की है या किसी की इंडिविजुअल है, उनका टोटल प्रोडक्शन जो मार्च अप्रैल में है वो 12,000 केजी है। और टेल डेट अगर हम देखें 2022 में, जिसमें मार्च और अप्रैल दोनों को अगर मैं इकट्ठा लूँ, तो 2 लाख जो 8,000 चाय है कांगड़ा टी जो अभी बनी पड़ी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो मिनी टी फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने भी जो है अपना प्रोडक्शन जो है जो इंक्रीज किया है वो आने वाले समय में और बढ़ाएंगे, और हम आशा करते हैं कि कांगड़ा टी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन जो है और बढ़ेगी। अगर आप देखें कांगड़ा चाय का जो डिमांड है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रमोशन के ऊपर हम बहुत फोकस कर रहे हैं। हर जगह हम जो है आप देखेंगे जब हम पालमपुर एंटर करते हैं तो होर्डिंग्स लगाई हैं कि इंडिया टी, ड्रिंक इंडिया टी, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो ये आपको विसिनिटी ऑफ पालमपुर में बहुत जगह दिखेगा अगर आप देखें तो। और जो है लोकल कंजप्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारे फैक्ट्रीज जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जब हम उनसे बात करते हैं कि आप बताएं कि आपका लोकल में कैसा डिमांड है, तो वो बोलते हैं कि जैसे हिमाचल में टूरिस्ट बहुत आता है तो जहाँ पहले 1 या 2 पैकेट उनके द्वारा लिए जाते थे, आजकल वो क्या है 10-10 पैकेट्स ले जाते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, और अमेजन और इसके माध्यम से भी जो है डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है क्योंकि उनके लिए ऑर्डर करना बहुत ईजी हो गया हुआ है। तो लोकल कंजप्शन में भी हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट है। जहाँ लोग कभी कभी सिर्फ CTC दूध वाली चाय पीना पसंद करते थे, अब उसके साथ साथ वो ग्रीन टी, कांगड़ा की ग्रीन टी, कांगड़ा की ब्लैक टी भी बड़े शौकिया तौर पे ले रहे हैं, जो कि कांगड़ा टी के लिए बहुत अच्छी बात। प्रदेश के पुष्प उत्पादकों को फूलों की बिक्री के लिए बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश की पहली पुष्प मंडी परवाणू में 15 मई से कारोबार शुरू हो जाएगा। पहले दिन बाहरी राज्यों से 10 कारोबारी फूल खरीदने के लिए यहां पहुंचेंगे और कार्नेशन समेत 5 किस्मों के फूल खरीदेंगे। वर्तमान में यहां के किसान दिल्ली, करनाल, चंडीगढ़ समेत अन्य बाहरी राज्यों को फूल सप्लाई कर रहे हैं। उन्हें बाहरी राज्यों तक फूल पहुंचाना महंगा पड़ रहा है। 15 मई से समिति ने पुष्प मंडी में कारोबार शुरू करने का निर्णय किया है। मंडी समिति सोलन की ओर से कालका शिमला NH पर परवाणू के समीप 1.75 करोड़ की लागत से पुष्प मंडी का निर्माण किया गया है। जिला सोलन के डांगरी, चायल, घट्टी, देवठी सहित जिला सिरमौर में फूलों की पैदावार होती है। इन क्षेत्रों के उत्पादक हर वर्ष करोड़ों रुपए का फूल चंडीगढ़, दिल्ली की मंडियों में बेचते हैं।
मंडी समिति के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश में फूलों की खेती तैयार है। उन्होंने बताया कि सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी और शिमला में फूलों की सबसे अधिक खेती होती है। इसमें जिला सिरमौर फूल उत्पादन में पहले स्थान पर है। अकेले सिरमौर से ही हर वर्ष 5 करोड़ से अधिक का कारोबार फूलों से होता है। सोलन दूसरे स्थान पर है। परवाणु मंडी के खुलते ही प्रदेश के सैकड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। खरीफ मौसम में उगाए जाने वाले बीज की खेप हमीरपुर पहुंचना शुरू हो गई है, जिसे ब्लॉकों व सेल सेंटरों को डिमांड के मुताबिक भेजा जा रहा है। विभाग के पास अब तक मक्की, चरी व बाजरे का करीब 80% बीज पहुंच चुका है, जिसे किसानों को सब्सिडी पर मुहैया करवाया जा रहा है। किसान भी घर के नजदीक अच्छी क्वालिटी का बीज मिलने से काफी खुश हैं। कृषि विभाग की माने तो किसानों को इस बार मक्की का 2150 क्विंटल बीज और चरी व बाजरे का 4750 क्विंटल बीज मुहैया करवाया जाएगा। इसमें चरी का 3150 क्विंटल और बाजरे का 1600 क्विंटल बीज शामिल है। कृषि विभाग ने इसके अलावा लाइसेंस होल्डर करीब 100 सोसाइटियों को भी मक्की, चरी व बाजरे की डिमांड भेज दी है। किसानों को मक्की का सिंगल क्रॉप बीज 60 रुपए किलो और डबल क्रॉप बीज 49 रुपए किलो के हिसाब से मुहैया करवाया जा रहा है। मक्की पर किसानों को 40-40 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा चरी का बीज 35 रुपए किलो और बाजरे का 52 रुपए किलो के हिसाब से वितरित किया जा रहा है। किसानों को चरी बीज पर 25 रुपए व बाजरे के बीज पर 40 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ब्लॉकों व सेल सेंटरों में बीज को लेकर किसानों की काफी भीड़ उमड़ रही है। किसान सब्सिडी पर मिल रहे बीज को जल्द से जल्द खरीदने में लगे हुए हैं, ताकि उन्हें बाद में बीज से वंचित ना होना पड़े। और जैसा कि आपको पता ही है, अभी हमारा जो रबी का सीजन था, जिसमें हमारी गेहूं की फसलें मुख्य थी, वो तो कट चुकी है। और इस बार आपने देखा, सूखे की स्थिति भी बनी, मार्च और बारिश हुई नहीं है, और अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, बारिश नहीं है अभी। तो किसान जो आगे हमारी खरीफ सीजन की बिजाई है, उसमें जुटे हुए हैं। तो इस उपलक्ष में जिले में हमने मक्की का कोई 2150 क्विंटल बीज उपलब्ध करा दिया है। सोरगम का जो चेरी है, जो किसान लगाते हैं ऐसे फॉर्डर के रूप में, वो 3150 क्विंटल है, और बाजरा जो है वो 1600 क्विंटल है। धान का जो इलाका है वो इस डिस्ट्रिक्ट में कम है, वो तकरीबन 12 क्विंटल किसान लेते हैं विभाग से। तो ये जो बीज है, मोस्टली 80% बीज आ चुका है हमारे जो ब्लॉकों के जितने भी कृषि विक्रय केंद्र हैं और जो सोसाइटियां हमसे जुड़ी हैं। तो मैं किसानों से यही आग्रह करूंगा कि जो भी हमारी सोसाइटियां जो लाइसेंस कृत हैं हमारे विभाग से जुड़ी हैं, वहाँ जाएँ और ये बीज जो सब्सिडी पे उपलब्ध है उसको प्राप्त करें, और जैसे बारिश पड़ती है, जैसे बदतर आती है, तो उसका फ़ायदा लें।